शाहदरा के साइबर सेल पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। ठगी के मामले में मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। पास से एक लैपटॉप, एक डेबिट कार्ड और 3 जियो डोंगल किए बरामद। गोगलपुरी पुलिस ने होली के दिन गोली चलाने वाले आरोपी को पकड़ा। पास से एक सेमी ऑटो पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 10 राउंड किए बरामद। कृष्णानगर व्यापारियों को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें। कहा, दिल्ली सरकार टैक्स में रियायतें दे, व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई तरीके मिले। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एटीएस ने तोता गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। आरोपी हर्ष विहार थाने का घोषित बदमाश। जीडीपी इनक्लेव पुलिस की क्रैक टीम ने एक मोबाइल स्नैचर को किया गिरफ्तार। पास से 2 मोबाइल फोन किए बरामद। पुलिस ने 2 केसों का किया खुलासा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ठगी के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक लैपटॉप, एक डेबिट कार्ड, 3 जियो डोंगल बरामद किए हैं। पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने लोन देने के बहाने उसके साथ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उसकी शिकायत पर एक केस भी दर्ज किया गया और जांच की गई। एक टीम ने जांच के दौरान शिकायतकर्ता के 2 खातों का विवरण प्राप्त किया और पाया कि धोखाधड़ी के सभी पैसे एक बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे। चंदन उर्फ चंदन चंदेला को अत्यधिक तकनीकी जांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में 8 मार्च के दिन यानी कि होली वाले दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकलपुरी इलाके में गोली चली है। पुलिस मौके पर आती है और आईपीसी की धारा 323, 307, 452 और 34 के साथ साथ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। लगभग 25 से 30 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी का चेहरा सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने इलाके में दोबारा आ रहा। वहीं पुलिस ने गश्त लगाई और आरोपी का वेट भी किया। वैसे ही आरोपी इलाके में आए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक सेमी ऑटो पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 10 राउंड भी बरामद किए गए। पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों के आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली सरकार 21 मार्च को बजट पेश करेगी। कृष्णानगर के व्यापारियों का कहना है कि सरकार बजट में व्यापारियों को सहायता दे, टैक्स की दर को पहले से कम करे, जिससे लोगों को काफी राहत मिल सके। व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को नए नए तरीके बताएं। बजट में दुकानदारों के लिए मूलभूत सुविधाएं मिले। देखिए, बजट किसी भी सरकार का हो, हम ये चाहते हैं व्यापारी की हैसियत से कि व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीके आने चाहिए। जो टैक्स का जो बोझ व्यापारियों पर पड़ रहा है वो कम होना चाहिए। जो मार्केटों की जो सहूलतें हैं वो उनको मिलनी चाहिए और कस्टमर को बेरोक टोक आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अब आते हुए सोचता है महंगाई के दौर में कुछ परचेसिंग नहीं कर पाता। उन चीज़ों को देखते हुए मेरी सरकार से, हर सरकार से यही विनती है कि टैक्स का बोझ कम से कम डालें व्यापारियों पर। देखिए, जो महिला विंग होती है ना, वो तो चाहती है कि हमारे को कम से कम हर चीज़ में कंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कपड़े सिलाने भी आते हैं, कुछ लोग महिलाएं फोर्थ क्लास में काम करती हैं और कुछ लोग बिजनेस वुमेंस होती हैं। वो चाहती है कपड़ा मार्केट में भी हमें कुछ ना कुछ रियायत मिलनी चाहिए, ताकि हम आगे से जो लोग सिलने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, इसमें व्यापारियों को भी देखो मिलेगा तो व्यापारी इससे खुश होंगे, और मैं कहती हूँ इससे पब्लिक को भी लाभ मिलेगा और सबको लाभ मिलेगा। जी, बजट पास होना बहुत ज़रूरी है और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे हिसाब से व्यापारी वर्ग को आ रही है। तो सरकार को चाहिए व्यापारी वर्ग को कुछ ऐसी सहायता प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि जो है हर व्यापारी को टैक्स भरने में ऐसा नहीं हो। सर, व्यापारी को टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारी को टैक्स का प्रोसीजर पूरी तरह से नहीं पता, जिसकी वजह से हर व्यापारी वो परेशान ज़्यादा हो रहा है। नहीं, हम ये चीज़ कहते हैं, जैसे देखो जी, एक व्यापारी वर्ग जो है कन्वर्जन भी देता है और आपका किसी की तरह का भी टैक्स, इनकम टैक्स है, आपका वैट है, ये सब चीज़ें हम देते हैं, पर हमें किसी तरह से रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। सारा टैक्स तो हमसे वसूला जाता है, पर गाज भी हमेशा व्यापारी पे ही गिरती है। तो ऐसा कुछ हो ना जो व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ सोचा जाए। इसके लिए कभी किसी भी गवर्नमेंट ने अच्छे से सोचा नहीं है। व्यापारी वर्ग सब कुछ टैक्स वगैरह भरते हुए भी मैक्सिमम टैक्स हम भरते हैं अपनी तरफ से। इस बार क्या चाहते हैं, किस तरीके से? कि एक तो हमें नजायज़ तंग ना किया जाए,
जैसे हर वर्ग आके हमें, चाहे वैट है, चाहे इनकम टैक्स भी है, चाहे लोकल कोई मार्केट का वो इशू है, हम किसी एक डेस्क पे जा नहीं सकते। ऐसा कुछ आज तक हमें मिला नहीं है, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा डेस्क मिले जिसपे हम जाके अपना सब कुछ कह सके। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हर्षनगर थाना क्षेत्र में दुर्गेश तोता गिरोह के मुख्य सरगना को एटीएस स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पिछले 8 मार्च को होली के दिन एक शख्स की गोली मारी थी। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एएसआई विपिन सोनू और हेड कांस्टेबल संदीप और हेमंत की टीम बनाई गई। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि होली के दिन समोली एक्सटेंशन में गोलीबारी करने वाला आरोपी इलाके में आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर आते दबोच लिया। और आपको बता दें कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी हर्ष विहार थाने का घोषित बदमाश है। इसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2020 में इसे दिल्ली से 6 महीने के लिए निकाला घोषित किया गया था। चादर डिस्ट्रिक्ट के जीडीबी इनक्लेव पुलिस की क्रैक टीम ने एक मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में फोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। आपको बता दें कि एसएचओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने मोबाइल फोन चुराने वालों पर निगरानी करी और सीसीटीवी भी देखे, जिसमें से एक टीम को एक युवक फोन स्नैचिंग के जो फोटो है वो सामने आए हैं। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तो पता चला कि इसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जो कि जीडीबी इनक्लेव थाने इलाके से चोरी हुए थे। 2 केसों का खुलासा भी हुआ है। चादर डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी पुलिस क्रैक टीम ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक फैक्ट्री के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान भी की, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया। दोनों भाई इलाके में आए, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला ये पहले भी 4 केसों में लिप्त थे। पुलिस ने इनके पास से आयरन रॉड, बिल बुक और कई डॉक्यूमेंट्री भी बरामद की है। तो वहीं शादा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में एक गैंग चल रहा है, जिसका नाम गला घोटू गैंग के नाम से प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि एसएचओ सीमापुरी विनय यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें आसिफ नाम के एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। इसके पास से मोबाइल फोन, 1500 कैश बरामद किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये गैंग लोगों के गला घोट कर उनसे पैसे, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया करता था। इन्होंने इलाके में खूब उत्पात भी मचाया। तो वहीं क्रैक टीम के स्टाफ ने इस आरोपी को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे डाल दिया। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। तो वहीं अब कोरोना के नए वेरिएंट ने भी अभी दस्तक दे दी है। कोविड-19 महामारी फैलाने वाले कोरोना वायरस के नए स्वरूप XBB.1.16 के अब तक के 76 मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट इन्फ्लुएंजा के मरीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में काफ़ी डर बैठ गया है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि हमने तो मास्क लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन मास्क पर सख्ती या फिर चालान नहीं होना चाहिए, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, उन्हें खुद ही सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क दोबारा लगाना तो बुरी बात नहीं है, पर कंपलसरी करना ये ठीक नहीं है। इतना पैनिक नहीं हो रहे हैं डिसीजन, जिसमें क्या नाम, हमें मास्क कंपलसरी कर दिया है। बाकी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, और वहाँ बुजुर्गों को और बच्चों को इस बार के लिए सावधानी कर दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर यूज भी कर लेना तो बुरी बात नहीं है। न्यूज़ में देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, और इस टाइम जो है पब्लिक की भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि कोरोना केस बढ़ रहा है, थोड़ा एहतियात बरते। और यही कहूँगा कि फिलहाल तो अभी जो है गाइडलाइन कोई ऐसे लेकर आए कि थोड़ा बहुत जो है डिस्टेंस बनाकर रखें अपने आप को, और कोरोना से बचने की कोशिश करें। आजकल घर घर में बुखार, खांसी, जुखाम की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक ये नए तरीके का वायरस आया है, जो भी डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दे कि एक नए तरीके का वायरस है जो लोगों के अंदर फैल रहा है, और लगातार इसे देखते हुए कोरोना के केसेस भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो वापस असल में कोरोना वापस लौट कर आ गया है। सरकार को पहले ही इस अंदेशे का अंदाजा बनाना चाहिए, और मास्क अगर ज़रूरी है तो लोगों को वापस मास्क पहनने के लिए बोलना चाहिए। सीबीएसई ने स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से पहले शुरू करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी कई 10वीं और 12वीं के स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बाद दी गई। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड का कहना है कि शैक्षणिक सत्र को पहले से शुरू करने से छात्रों को पढ़ाई में जो है इतर गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। ऐसे में जब हमने कुछ टीचर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको लेकर स्कूलों को जल्दी नहीं करनी चाहिए, काफ़ी गलत है। इससे बच्चों का तनाव और बढ़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता है। एग्जाम और नया सेशन शुरू करने के बीच जो भी समय मिलता है उसमें बच्चे खुद को समय देकर कुछ नया सीखते हैं, इसलिए नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करना चाहिए। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कुछ स्कूल्स अपना शैक्षणिक जो सत्र है वो 1 अप्रैल से पहले स्टार्ट कर रहे हैं,
अच्छा, ये वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का मामला है। जिन बच्चों ने अभी 9th के एग्ज़ाम दिए हैं या 11th के एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें एकदम से 10th की या 12th की प्रिपरेशन के लिए एकदम से चालू कर देना, ये उनके दिमाग पर बहुत दबाव डालने वाली स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें भी रिफ्रेश करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अगली बोर्ड की क्लास के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर अगले आगे तक बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है, बहुत सफिशियंट टाइम होगा। बच्चों को मशीन ना बनाएं, बच्चों को इंसान रहने दें और ताकि वो अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकें। अभी के जो मौजूदा हालात देखने में नज़र आ रहे हैं, 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके सेशन कुछ स्कूलों ने स्टार्ट कर दिए, जिसका विरोध CBSE स्वयं कर रही है। CBSE का पाठ्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए था, जो कि मार्च के महीने में शुरू करके बच्चों के साथ दबाव की स्थिति बनाता है। बच्चे जो आप एग्ज़ाम से फ्री होकर कुछ रिलैक्स करते, कुछ शारीरिक गतिविधियां करते, कुछ नैतिक मूल्यों की बात करते, कुछ अलग स्किल्स सीखते, उन सब का उन्हें मौका नहीं दिया गया, बल्कि उनको इन सब से रोकते हुए एक पाठ्यक्रम में बांध दिया, जिससे उन पर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। एक सिलेबस को तैयार करने का कि समय सीमा को जब CBSE ने निर्धारित कर दिया है, तो उससे अधिक बच्चों पर दबाव डालना ये आज के समय में अनैतिक है। क्योंकि एक तरफ जब हम करिकुलम की बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, उन सब चीज़ों को देखकर एक सिलेबस तैयार किया जाता है। जैसा कि 2022 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जितने करिकुलम हैं उन सबका ध्यान रखते हुए CBSE ने एक मानदंड बनाया, जिस मानदंड के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर क्लासेस शुरू होनी चाहिए थी, जिसका एक शिक्षिका होने के नाते मैं विरोध करूंगी। अभी कुछ स्कूल्स ने ऐसा कर दिया है कि वो अपना जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट करने की बजाय मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। CBSE भी इसके ख़िलाफ़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि वो उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे। सेकेंडली, जो टाइम हमें एग्ज़ाम्स के बाद मिलता है, इवन आई एज अ स्टूडेंट वॉन्ट सम टाइम, हम एज इवन नॉट इवन एज अ स्टूडेंट, हमें एक इंसान के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम एक काम के बाद दूसरा काम करने के लिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें। वैसे ही इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव सम ब्रेक इन देयर लाइफ। वो उनका जो एकेडमिक सर्कल है, अगर वो ऐसा ही चलता रहेगा तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। हम एक तरफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि बच्चों का जो ब्रेनिक डेवलपमेंट है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम उनसे उनका ब्रेक ही ले रहे हैं। वाई वी आर डूइंग दिस? आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी आवाज़ उन तक जाए एंड वो इस चीज़ को समझें कि एग्ज़ाम के बाद द ब्रेक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये बहुत नहायती ज़रूरी है बच्चों के लिए। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में पानी की समस्या से स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान हैं। लोग आए दिन पानी की समस्या से जूझ रहे, कभी पानी गंदा आता है तो कभी पानी आता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि बिना सूचना के पानी काट दिया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पहले इस इलाके में गंदे पानी से लोग जूझ रहे, अब और समस्या खड़ी हो गई कि पानी आना ही बंद हो गया। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि बिना जानकारी दिए पानी की लाइन को काट दिया गया है, पानी कब तक आएगा ये भी नहीं पता। मैडम, सुबह से बिना बताए पानी को काट दिया गया और पूरे शकरपुर में पानी नहीं आ रहा है। गणेश नगर, WA ब्लॉक, यू ब्लॉक, शकरपुर गांव, शकरपुर मेन मार्केट, स्कूल ब्लॉक, पूरे शकरपुर में पानी नहीं आ रहा है। कोई बिना सूचना के आज पानी को रोक दिया गया, जिससे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा क्षेत्र के। इधर उधर लोग बाल्टी ले कर घूम रहे थे और क्योंकि अचानक से चला गया तो लोग नहा भी नहीं पाए। आज हम भी अपने घर में पानी बाहर से लेकर आए हैं, जब पानी की घर की पूर्ति कर रहे हैं। ये यू ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा और सब नहाने के लिए बैठे हुए हैं। आज इतवार का दिन है और मैंने अभी इंजीनियर साहब से बात करी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पानी कल सुबह आएगा, पानी बंद कर दिया है। क्या कोई पहले सूचना दी गई थी आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं दी, ना कोई मैसेज आया। सुबह सुबह पानी चला गया, बहुत ज़्यादा समस्या हुई और आज तो इतवार है इसलिए कुछ कर नहीं पाए। बाकी का आज कुछ अलग दिन होता तो स्कूल जाना पड़ता, तो हम बहुत परेशानी का सामना करेंगे। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आकर लोगों ने अपनी आई का चेकअप कराया, लोगों ने मोतियाबिंद का आकर जांच कराई। साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने कहा किस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। ज़रूरतमंद लोगों को भी साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को दवाई का भी वितरण किया गया।
फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।